एक्सपेक्टेड कि आमर थिला कि आमर पीक क्रॉस कर सलाने ग्रेजुअली आमर कमीब आम संक्रमण हार जो आमर टोटल आम जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट सेटा आज 11.2 का आसी सब लोएस्ट आमर जो सेकेंड वेव जो पीक थी आम 26% थी तेनाली बहुत भल एटा ग्रेजुअली कमीब एवं आम जाचे 5% तलू गले WHO हिसाब से आमर धीरे धीरे आम रिलैक्सेसनटा करिया कथा जहाँ आमर जो लॉकडाउन मेजर्स अच्छी मतलब लगुच आम 17 तारीख बेलू जो सर ये फेज्र लॉकडाउन से आम पाखापाखि 5% थी आटलिस्ट ना मेजोरीटी डिस्ट्रिक्ट 5% तलू जाइए तेणु आटलिस्ट से सब जगह तो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन कोहल निश्चय हे हूँ तो एंटायर स्टेट भी कोहल हो पाए कि जो जगह बेसी थी पॉजिटिविटी हार हूँ तो गवर्नमेंट टी एक्सटेनसन टे करें किसी दिन पर लोकालाइज किसी डिस्ट्रिक्ट करपर जो लॉकडाउन टाक टी अधिकार समय पर बढ़े पारती कितु मेजोरीटी जगह जहाँ एक्सपेक्टेड कि मेजोरीटी जगह आम लॉकडाउन मेजरटा कोहल हो किसी परिमाणे से रेस्ट्रिक्शन रखे हटात किना पूरा खोल देवे जोटा कि देखिकी ग्राजुआली केमती रोचे केसेस केमती रोचे ग्राजुआली से ओपन करेंगे आउ या तो आमर मुझे आगुरी भी कही वर्स्ट फेज पैंडेमिक्र आम चलीगला आम जोटा क्रस करगले वर्स्ट फेज थी आहा आगे एत खराब फेज आसवनी कि आम जब केयरफुल रहा गवर्नमेंट जमी पूरा स्ट्रिक्ट हो जाकर पॉलिसी सब गुड़ाक एकदम डिसीजन गुटा बहुत भल रोच तेनालीराम जब आम पालन करवा से पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सिचुएशन देखकर मॉडिफाई करते आम जो रेस्ट्रिक्शन मेजर्स मापिया तो आम भाभी रखु जो वर्स्ट पीरियड चलीगला ग्राजुअली धीरे धीरे आम सिचुएशन इम्प्रूवमेंट आसो सेकेंड डोज टीकार आम जाचे आस्ट्राजेनेकर आम जो कोविशिल्ड अच्छी से 3 to 4 months से असुविधा होनी असुविधा होती कोवैक्सीन जो मैंने फास्ट डोज नहीं कोवैक्सीन जेहतु सेकेंड डोजा 28 days रेकमेंडेड 4 to 6 weeks भितर तेनालीरु टी अवेलेबिलिटी कई जन टीका पहुँची पारे टीका नहीं पार ना से कन्फ्यूजन होती कि दुईटा एग्जांपल देवी गोटे ब्रिटेन ने से प्रत्येक वैक्सीन के 3 months करदे फाइजर वैक्सीन भी 3 months पर दौन सेकेंड शॉट जदिव से रेकमेंडेड आफ्टर 21 to 28 days कि मस दौरान आउ आना तो सब सक्सेसफुल कंट्री वैक्सीनेसन में रोग कंट्रोल कर डेथ कंट्रोल कर UK तेणु सेकेंड डोजटा डिले हेले मो मत हुए तो आप मस पर्यटन किसी क्षति नहीं भर गोटे इंटरेस्टिंग स्टडी एवं US रु आसाला लास्ट मंथ पब्लीश होता जोटा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग जर्नल पब्लीश होती से देखते जब सेकेंड डोजटा डिले कराऊँ डेथ इज रिड्यूस बाय 20% प्रोवाइडेड जो पेसेंटर बयस होती दरकार लेस देन 60 आउ जो आम भैक्सीनेसनटा हो 0.1 to 0.3% अफ द पपुलेसन को आम भैक्सीनेट करे जोटा कि आम राज्य पर डे होता आम से वैक्सीनेसन होती आम से वैक्सीनेसन आम करे लेस दैन 60 years एज अच्छी तेल वैक्सीनेसन जब डिले करे डेथ इज रिड्यूस बाय 20% तेनाली एत व्यस्त मानी मुझे का कहूँ जन को मत लगुच कोवैक्सीन क्षेत्र में भी सही आप्लिकेबल हाँ कथा आ स्टडी ना मतलब लगुच आम जब सेकेंड डोजटा 3 months भितर दे पारा तेल एत व्यस्त हेने मतलब लगुच मानने हे तो किसी खराब हेने पर लाभ टी हो पाए Thank you.